छपता था उसमें क्या लिखा जाता था? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति गणराज, और प्रथम निमंत्रण आप कोष पूर्ण कीजे काज। जब आप गणेश जी को बुलाएंगे तो गणेश जी है विघ्न हरता, आपके बच्चे बच्ची की शादी में विघ्न नहीं आने देंगे, ये गणेश जी का काम है। मोरे सबको आए, गणेश जी का बुलाओ, हनुमान जी यहाँ बुलाओ, राम जी को बुलाओ, कृष्ण जी को बुलाओ, दुर्गा जी को बुलाओ, और जे को आए भूत प्रेत बुला लाई तुमने ब्याह में, मोरे जय सुबह छठ कर दे चाँव, मोरे सबको आए घटोई बाबा मसान बाबा कचिया मकान पचिया मसान बुला लाई सुबह, क्या करें कि एक्सीडेंट बसंत में कारें लड़ गई, बोले लड़का के चोट लग गई। भैया पर राक्षस ही राक्षसन खा तुमने न्योते दे दे, नहीं देवी देवताओं को माताओं ने मंत्रण दो। ताबर बद्धुष मंगलम, महाराज दशरथ राम जी की बरात लेके चले, किसको निमंत्रण दिए? बाद में बैठे रथ पर, ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहां हरस चढ़ाए नरेश, आप चढ़े हो सिंदन सुमर हरि गुरु गौर गणेश। हरि नारायण को सुमरण किया, गौरा जी को, गुरु जी को, गणेश जी को, प्रभु मैं राम की शादी करने जा रहा हूं, आप सब लोग हमारे साथ, तब सुंदर विवाह हुआ। तो माताओ विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, जहां जैसा सुंदर गाओ, ये नहीं कि उनके नाम लिखवा ले, सो बेचारे बैठे वहां, तुम्हारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे, इतनी तो मर्यादा होना चाहिए आपके अंदर। हम पर हमें समझाते हैं मंच के माध्यम से कि जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसको पुनः बुलाइए आप लोग, तो आपकी इज्जत होगी, आपका सम्मान होगा, आपके जेठ भी घूम रहे, ससुर भी बैठे, ससुर बाबा बैठे हैं, परिवार भी बैठा है, कितने लोग बैठे हुए हैं, और आप ऐसे अब शब्द भरे गीत गाती हैं, सुनने में सुनना तो दूर, अगर एक शब्द भी निकल जाए तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसे गीतों को मत वाणी से निकालिए, ऐसे गाओ कि सुने कोई तो कहे किसकी बहू है, किसकी बेटी है, ये किन के घर में शादी हो रही, विवाह उत्सव हो रहा है। सुंदर मंगलमय गीतों का गायन करना चाहिए। ताबर बद्ध हो सुमंगलम, जिसको सुनने में आनंद हो, समझने में आनंद हो, पढ़ने लिखने में आनंद हो, क्या बात। तो रुक्मणी की डोली कहां लिए जा रहे हैं, और उनकी सखियां और कुंडनपुर की नारियां मंगलमयी सुंदर गीत गाती जाए, बाजे बजते चले जा रहे हैं। कहारों ने जो शिव पार्वती का मंदिर था वहां डोली रख दी, सखियों ने कहा रुक्मणी ये पूजा का थाल लो और जाओ अंदर जाकर बड़े अच्छे लगन से शिव पार्वती जी का पूजन करो। अब तो प्रसन्न थी रुक्मणी, क्योंकि उन्हें गरुड़ ध्वजा अंकित चिन्ह यदुवंशियों का रथ जो देख लिया था। अंदर जाती बड़े अच्छे प्रेम से पूजन शुरू कर दिया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन खड़ा नन माता, जयति जयति दुति दामनि गाता, जयति जयति दुति दामनि गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, 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 विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। माता गौरा प्रसन्न है आज रुक्मिणी के पूजा से। जब संपूर्ण पूजन हो गया और रुक्मिणी को कुछ तो घबराहट लगी कि अब जब पूजन होके मैं निकलूंगी और डोली में बैठ जाऊंगी, वो अगर कहीं मैं राजमहल पहुंच गई तो शिशुपाल के साथ मेरी भावर पड़ना शुरू हो जाएगी। नहीं, फिर मन में विचार आया, जब मेरे द्वारकाधीश स्वामी ने कहा है तुम चिंता नहीं करना, सब नयन करते जाना, मैं तुम्हें द्वारिका की रानी नहीं पटरानी बनाऊंगा।
तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे ही रुक्मिणी पूजा करके पूजा का थाल लेकर मंदिर के बाहर आई, सखियों ने कहा बैठो डोली में पालकी में, और रुक्मिणी ने एक पांव पालकी में बढ़, जैसे बाज नहीं झपट्टा मारता है, ऐसे भगवान कृष्ण अपने रथ से दौड़ के आए। बोले रुक्मिणी मैं तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूं तुम्हें लेने, बोलो क्या मेरी दासी बनना स्वीकार करोगी, मेरी अर्धांगनी, तो लो मेरा दाहिना हाथ पकड़ लो, यही हमारी भावर होगी। रुक्मिणी तो चाहती थी, रुक्मिणी ने अपना दाहिना हाथ द्वारकाधीश को दिया, भगवान ने पकड़ा हाथ और कहा चलो बैठे रथ पे। इतने सखियां चिल्लाई रुक्मिणी हरण, दौड़ो कोई बचाओ, रुक्मिणी को कोई हरण कर रहा है, बचाओ बचाओ, हाय हाय मच गई, कहार चिल्लाने लगे। अब जो शिशुपाल जनवासी में बरात लेके पड़ा था सब चिल्लाए, बोले कोई रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी का हरण कर रहा है, कोई जल्दी चलो रुक्मिणी को। शिशुपाल ने कहा मेरी बरात में शाल और दंतवत्र विदुर जितने आए हैं घेर लो उस दुष्ट को, कौन है जो मेरी भारिया रुक्मिणी को और जबरन हरण करके लिए जा रहा है। रुक्मिणी को रथ पे भगवान ने बिठाया, बलदाऊ भैया बोले चलो कृष्ण दौड़वा दो रथ द्वारका की ओर, लेकिन दौड़ा ना कौन, दौड़ा ही ना पाए, और शिशुपाल की जो बराती गण थे राजा महाराजा उन्होंने साफ झरगे से कृष्ण बलराम को घेर लिया, यदुवंशियों को घेर लिया। शिशुपाल कहता कृष्ण रुक्मिणी को छोड़ दो और जैसे आए हो द्वारकापुरी चले जाओ, ये मेरी भार्या है। भगवान ने हंस के कहा भैया शिशुपाल तू हमारी बुआ का लड़का है, इसलिए हम बुआ की जबान दी थी ना कि 99 अपराध करेगा तो देखो बुआ हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन 100 हो जाएगा बस उसी दिन सियावर रामचंद्र की हो जाएगी इसकी, तो अभी तुम्हारी कसर है, इसलिए हम तुमसे कह रहे कि तुम चले जाओ वापस। भाई रुक्मिणी ने तुम्हारे साथ रुक्मिणी का रिश्ता किया, ये रुक्मिणी सामने से तो पूछो किसे पति बनाना चाहती है, स्वतंत्र है वो। रुक्मिणी ने मुझे अपना पति, मुझे न्योता दिया है, मुझे द्वारिका से बुलाया। शिशुपाल बोला सिपाहियों सैन को मार डालो, कृष्ण को मार डालो, बलराम को, रुक्मिणी को छीन लो। फिर क्या था श्रोताओं, मार काट मच गई, मारो काट, हाय हाय मच गया कुंडनपुर के बाहर। कब तक टके यदुवंशियों के सामने, कब तक कृष्ण बलराम के आगे शिशुपाल के बरातियों के जो साल विदुर दंतर्वक्त आए थे उनके हाथी घोड़े कटने लगे, उनके रथ बलराम जी ने तोड़ दिए, अब तो प्राण बचा बचा करके भागने लगे। इतने में जो तैयारी में लगा था रुक्मी रुक्मणी का भाई, उसे पता चला कि मेरी बहन को द्वारकाधीश श्री कृष्ण हरण करके लिए जा रहे हैं, वो हाथी पर बैठकर और सेना सजाकर आ गया। वो श्री कृष्ण, भगवान ने कहा देख तू 17 हमसे हार चुका है जरासंध के साथ, अब हम तेरा इसलिए वध नहीं करना चाहते ना पराजित, क्योंकि अब तू हमारी पत्नी का भाई है, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो गई, इसलिए तेरे अंदर जो हमारे मन में बैर भाव उसको भुला दे। रुक्मिणी बोला नहीं, मैं तो अपनी बहन रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ पाने ग्रहण कराऊं। भगवान बोले हमारा तो पाने ग्रहण हो गया, आप लोग जानते हो कार्ड में क्या छपाया जाता है, निमंत्रण कार्ड में पाने ग्रहण संस्कार, इतना ही तो है विवाह, बस और तो सब नाटक है। उनकी मंडप हुआ, फिर मायना हुआ, फिर उनके राज फिर रही है, फिर उनका टीका हुआ, चढ़ाया चढ़ा, ये नहीं विवाह। तो जो विवाह की हम लोग लगन सोचते हैं उसका क्या मतलब है, पाणिक ग्रहण की लगन सोधी जाती है भावर की। और पाणिक ग्रहण क्यों कहते हैं कि जिस लग्न में लड़की लड़का का हाथ, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ लेना, यानी लड़की के हाथ में जिस लग्न में लड़के का हाथ मुहूर्त में आ जाए फिर चाहे भावर रात भर पड़ती रहे दिन भर, हो गया संस्कार, पाणिक ग्रहण संस्कार। तो भगवान ने कहा सुन रुक्मी तेरी बहन का पाणिग्रहण संस्कार तो मेरे साथ हो गया, मैंने लगन में हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब क्यों बीच में बाधक बन रहा है। लेकिन रुक्मी कब मानने वाला, बोले मार डालो बलराम कृष्ण को। लो रुक्मी ने लड़ाई छान दी, आखिरकार सुखदेव जी बोले कुछ तो टिक पाई सेना कुंडनपुर की, और बलराम कृष्ण के आगे जब उनके रथ काट दिए गए और बलराम जी ने ऐसा प्रहार किया कि रुक्मी का रथ टूट गया, हाथी गिर गया, धराशायी हो गया, सो बलराम जी ने अपने दुपट्टे में बांध लिया रुक्मिणी के भाई को ऐसा, और खींच के लाए भगवान कृष्ण के रथ के पहिए से बांध लिया, और कहा कृष्ण निकालो तलवार, परम शत्रु रुक्मिणी कृष्ण का यही है रुक्मी, इसको मार डालो।
भगवान ने म्यान से निकाली है तलवार श्रोताओं, लेकिन महाराज क्या बताऊं, ये माताएं ममता की भी मूर्ति हुआ करती हैं। हम तुम तो प्रसोद की भावना